मेरा नाम है भावना चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। बहुत सारा स्वागत आपका। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए ताकि पता चलता रहे आपका फीडबैक कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही है। इसके अलावा आपको बेल वाले आइकन को भी क्लिक करना है ताकि हर रेसिपी के नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। मेरा पेज भी है भावना चौधरी के नाम से, प्लीज आप उसे लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आप मुझे फॉलो भी कीजिए। तो चलिए अब टाइम हो गया है किचन में चलने का और आज बनाएंगे कुछ खास आपके लिए। मूंग की दाल का हलवा बनाने के लिए एक पाव मूंग की दाल जो है धुली हुई वो हमने ली है और इसको हमने 2 घंटे भिगा लिया है और अब इसको हल्का दरदरा मिक्सी में पीस लेते हैं। सो यहाँ पे इस तरह का पेस्ट हमने तैयार कर लिया मूंग की दाल के साथ। थोड़ा दरदरा ही रखना है, देखें थोड़े थोड़े से दाने नजर आ रहे हैं, बारीक नहीं होना चाहिए, हल्का सा दरदरा होना चाहिए। सो कढ़ाई में मैंने यहाँ पर शुद्ध घी ले लिया है और तकरीबन 200 ग्राम घी का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। इस तरह का बोल जो है इससे मैंने तकरीबन 1 बोल भर के घी यहाँ पे लिया है और इसके अंदर जो मूंग की दाल का पेस्ट हमने बनाया है वो हम डालेंगे। और इसको अब हम सेक लेते हैं। सो ये है मूंग की दाल का हलवा जो हम बना रहे हैं और घी तो इसकी जान है भाई, बिना घी के आप मूंग की दाल का हलवा यू कांट एक्सपेक्ट। तो यहां पर इसको अच्छे से सेकना है। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। सो 45 मिनट्स हो गए हैं और हलवे की रंगत कुछ ऐसी दिख रही है। जो मूंग की दाल का ओरिजिनल कलर होता है येलो कलर वो अभी भी बरकरार है और आप नोटिस कर रहे हैं नीचे से बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब इसका रवा रवा खिल चुका है, बिल्कुल दाना अच्छे से सिक गया है। तो शुरुआत में जब मूंग की दाल का पेस्ट हम सेकते हैं घी के साथ तो वो बहुत ज्यादा गीला होता है और उस समय थोड़ा सा क्रूशल होता है, ध्यान देना होता है। तकरीबन 1/2 आवर लगातार ऐसे चलाना है कि नीचे बिल्कुल ना लगे। फुल और सिम आंच पे रख के गैस की फ्लेम को और इस जो मूंग की दाल का पेस्ट है उसे सेकना है। तो तकरीबन 50 मिनट के लिए इसको हमने अच्छे से सेक लिया है। ये जो आप देख रहे हैं ये देखिए घी जो है वो छूटने लगा है, ये जो है ये सारा घी है तो घी जो है वो छूटने लगा है। इट मीन्स कि ये जो मूंग की दाल का पेस्ट हमने डाला था वो अच्छे से सिक चुका है और अब बारी है यहाँ पे पानी को ऐड करने की। तो इस कटोरी से हमने भर के 1 कटोरी मूंग की दाल ली थी तो इस कटोरी से भर के ही हम यहाँ पर 4 कटोरी पानी इसके अंदर डालेंगे। और ये 4th कटोरी पानी और अब दोबारा से इसको हम अच्छे से सेकेंगे। तो पहले मूंग की दाल का पेस्ट कुछ इसी तरह का था जिसे हमने तकरीबन 50 मिनट्स के लिए अच्छे से फुल और सिम आंच पे सेक लिया। उसके बाद फिर हमने पानी डाला इसके अंदर और दोबारा इसको हम सेक रहे हैं और पानी काफी हद तक कम हो गया है और अभी इसको और हम सेकेंगे। तो मूंग की दाल के हलवे को बनाने में थोड़ी मेहनत तो लगती है लेकिन जब आप इसे खाते हैं तो मजा जो आता है ना तो फिर मेहनत रंग लाती है। बड़ा स्पेशल हलवा है ये क्योंकि इसका स्वाद हर तरह के हलवे से बिल्कुल अलग होता है। और चलिए अब बारी आ गई है चीनी डालने की तो 1 कटोरी चीनी इसके अंदर डाल देंगे। तो यहां पर हम 1/2 कटोरी चीनी और इसमें ऐड करेंगे ताकि अच्छा स्वाद हो, कहीं से भी फीका हलवा नहीं बनना चाहिए। हमने 1/2 कटोरी चीनी इसके अंदर डाल दी है। हमने गैस की आंच को सिम पे रखा हुआ है, इसको हम अभी थोड़ा सा फुल करेंगे ताकि जो चीनी है वो अच्छे से पिघल जाए, बिल्कुल मेल्ट हो जाए। और अभी इसको हम 1/2 घंटे तकरीबन और चलाएंगे और अच्छे से सेकेंगे, इसका कलर और ज्यादा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। सो तकरीबन 30 मिनट के लिए इसको हम सिम आंच पे ही हमने रखा हुआ है और 30 मिनट के लिए आराम से इसको हम सेकते जा रहे हैं। हिलाने की भी जरूरत नहीं, अगर आप इसे छोड़ भी देंगे ना तो ये नीचे से बिल्कुल नहीं चिपकेगा क्योंकि ऑलरेडी इसका रवा रवा खिल चुका है, एक एक दाना जो है वो खिल चुका है और अच्छे से सिक चुका है, इसलिए नीचे चिपकेगा नहीं। और इसको जितनी देर तक हम सेकते हैं ये उतना ही ज्यादा स्वादिष्ट बनता है और उतना ही अच्छा कलर आता है इसमें। जो मूंग की दाल का हलवा होता है वो हल्का सा लचपचा होता है, थोड़ा सा गीला गीला खाया जाता है, ऐसे ही पसंद किया जाता है। तो तकरीबन 45 मिनट्स के लिए हमने इसको और अच्छे से गैस पे धीमी आंच पे थोड़ा सेक लिया है, थोड़ा उबाल लिया है, पानी पूरा गायब हो चुका है और ये आसपास जो आप देख रहे हैं ये घी की लेयर है
तो ये घी जो है वो छोड़ चुका है और इसका कलर जो है वो जैसे गुड़ का कलर होता है बिल्कुल वैसा ही हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। एंड एक्चुअल में ये इकलौता ऐसा हलवा है जिसमें कोई इलायची पाउडर या फिर यू नो किसी तरह के ड्राई फ्रूट्स की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में ही इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है कि इसमें कुछ और चीजों की गार्निशिंग की कोई जरूरत नहीं है। सो ये हलवा बनके रेडी हो चुका है। अगर पूरे हलवे का टाइम देखा जाए तो तकरीबन 1.5 घंटा लगा है मुझे इस हलवे को बनाने में। कैसा लगा आपको हमारा ये हलवा मुझे जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और इसके अलावा बेल वाले आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि हर रेसिपी के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे और आप अपना फीडबैक मुझे देते रहे। मेरा फेसबुक पेज भी है, उससे भी आप लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आप मुझे फॉलो भी कीजिए। सो बहुत बहुत शुक्रिया हमारी रेसिपी को देखने के लिए।